हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू मुसाफिर गर्ल व्लॉग। और आज का दिन तो संडे है, संडे मतलब फंडे। तो फंडे में सबसे पहले मेरी शुरुआत होती है नहाने के बाद कुछ हैवी ब्रेकफास्ट, जैसे कि आज है छोले भटूरे और एक लस्सी का बड़ा ग्लास। जब तक लस्सी का स्टील का बड़ा ग्लास ना हो तो क्या हो यार, ये ना मुझे कांच के ग्लासों में, छोटे प्लास्टिक ग्लासों में लस्सी पीना पसंद ही नहीं है। स्टील का बड़ा ग्लास हो, पेट फुल हो जाए और दोपहर तक भूख ना लगे, ऐसी लस्सी पीनी चाहिए सुबह सुबह। तो गर्मी के दिन आ गए, आप लस्सी छाछ ये ज़्यादा चलेगा। और आपने अगर आलिया भट्ट रीग्रेटिंग आलिया भट्ट वाला लुक नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन में लिंक आ रहा होगा, फट से जाओ और देखो। और अगर आपकी कोई और रिक्रिएट करवाना चाहते हो तो फट से कमेंट कर दो, मैं तुरंत रेडी कर दूँगी आपके लिए। तो अब थोड़ी सी आपसे बातें करते करते मैं भी अपने छोले भटूरों पे ध्यान देती हूँ, यार ठंडे हो जाएंगे, ठंडे बिल्कुल पसंद नहीं है और अच्छे भी नहीं लगते। इनके साथ एक कमी है, अचार और प्याज नहीं है। आप इतने वेट करो, आप लोग भी ब्रेकफास्ट कर लो, मैं अचार और प्याज लेकर आती हूँ। और भाई ब्रेकफास्ट तो खत्म हो गया है बट लस्सी रह गई, लस्सी एक बार में पी ली, मजा आ गया। कर लेते हैं बाल सेट। और यार आज मैंने कॉफ़ी नहीं पी अपनी, क्योंकि मेरी कॉफ़ी ख़त्म हो चुकी है। तो चलते हैं सबसे पहले यार, अभी क्योंकि टाइम है और अब कुछ लुक क्रिएट करूँगी मैं, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा उस लुक को क्रिएट करने में। तो अभी मैं उसकी तैयारी भी कर रही हूँ कुछ कुछ की, भाई यार क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें नहीं हैं। बाकी 12 बज गए हैं, संडे है, संडे तो 12 भी ऐसे ही बज जाते हैं यार, करते करते काम करते 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 वो करते करते। तो अब पहले कॉफ़ी ले आती हूँ अपनी और उसके बाद फिर मैं अपना लुक क्रिएट करेंगे। तो व्लॉग एंड तक देखना, क्योंकि अभी मैंने बताया नहीं है कि मैं कौन सा लुक क्रिएट करने वाली हूँ, तो उसके लिए आपको व्लॉग पूरा देखना पड़ेगा, जब भी आपको पता चलेगा कि आज कौन सा लुक मैं क्रिएट करने वाली हूँ। तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, और राजमंदिर से आने के बाद, मतलब मार्केट से आने के बाद। और फाइनली मैं आ गई हूँ। यार एक तो आते ही ये आते ही कुत्ते बहुत भौंकते हैं। बाकी मैं कॉफ़ी लेने गई थी और मुझे कॉफ़ी नहीं मिली है, तो देखो शैम्पू पागल हो जाता है, बडवाइजर लगी और अब तो हम पिएंगे अपन। तो लाइए और एक जाए, ये फर्स्ट टाइम मैं लेकर आई हूँ। डोंट आप थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे, बाहर हो रही है बारिश और बारिश जैसा मौसम, थोड़ी देर में आपसे मैं मिलती हूँ। ये किंडल दे, मेरे को दे दे, ये बडवाइजर देंगे। अरे यार आप लोग भी बियर सोच रहे होंगे, बट ये नॉन अल्कोहलिक है। ओके तो मेरे को, और ये भी नॉन अल्कोहलिक है, दे ही नहीं, सो टेंशन नहीं लेने का, मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ। सो फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं ये वाला लुक करूँगी। सनम तेरी कसम मूवी शायद आप लोगों ने देख ली होगी, तो उसका ये लुक है, तो ये क्रिएट करूँगी।
तो इसके के लिए सबसे पहले मुझे येलो कलर की साड़ी लेनी होगी, और इसकी येलो कॉटन में ही लग रही है साड़ी, पर थोड़ा नीचे डिजाइन है। अब आपको पता है एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट चीज तो नहीं मिलेगी। बाकी मैंने दो साड़ियां निकाली है, ये मेरी मम्मी की है, ये मेरी दादी वाली है। तो ये वाली जो येलो है ना, ये वाली देखो, ये वाली इस पे ज्यादा मैच हो रही है येलो कलर वाली, तो ये वाली येलो वाली हम ले लेंगे। बट ये रेड कलर का ब्लाउज है, तो रेड तो मेरे पे है नहीं, तो ब्लैक कलर का ही ब्लाउज वेयर करूंगे मैं इसके नीचे। बाकी और इसमें सामान, अब देखो सामान के साथ चलते है। तो यहाँ तो सबसे पहले इसने इस लुक के लिए बिंदी लगाई है, जो कि रेड कलर की छोटी है। तो ये मेरे पास कलरफुल बिंदी भी थी, जो कि कल मेरे पास ब्लैक थी और आज मेरे पास कलरफुल्स है। तो इनमें से रेड ढूंढ लेंगे हम। और ये है, फिर इसने छोटे से इयररिंग्स पहने हैं, तो मैंने ये वाले इयररिंग्स निकाले हैं और ये वाले इयररिंग्स वेयर कर लूंगी। इसने इसके अंदर एक लॉकेट पहन रखा है, तो आई हैव, तो ये वाला पहनूंगी। और एक एक हाथ में इसने कड़ा डाल रखा है, जैसे आप देख भी सकते हो यहाँ पे। तो मैंने ऐसे कड़े, तो मैंने इसके लिए ये वाले अपने कड़े निकाल लिए हैं बैंगल्स। और इसकी चोटी है, जो छोटी में ना इन्होंने इसके वो लगे हुए हैं, मतलब बीड्स टाइप के, बट मेरे पास बीड्स नहीं है, तो मेरे पास ये जूड़ा पिन्स थी, तो ये मैंने जूड़ा पिन निकाल ली है, जो कि मैं ये लगाऊंगी अपनी चोटी में। तो अब आप लुक का वेट करो, सबसे मेन है साड़ी बांधना, जो कि मुझे नहीं आता है। तो उसके लिए मैंने चाची की, दोनों मतलब चाचियों की हेल्प लूंगी साड़ी के लिए, फिर वो मेरी साड़ी बांध देंगी, देन उसके बाद जो मेकअप होगा वो मैं खुद करूंगी अपना, और हेयर स्टाइल भी मैं अपना खुद करूंगी। बस साड़ी मुझे बिल्कुल बांधनी भी नहीं आती है, मैंने जस्ट ट्राई भी करी थी, एक मैंने साड़ी ट्राई करी थी, उसकी फोटोज आपको यहाँ पे देखने को भी 2 मिनट में मिलने वाली है। और बाकी अब साड़ी जब बन जाएगी, तो उसके बाद आप पूरा मेरा लुक देखना। सो फाइनली उस लुक के लिए मैंने साड़ी पहन ली है, मतलब यार चाची ने हेल्प करी है, मतलब हेल्प किया उन्होंने, पूरी बांधी है साड़ी, आप देख सकते हो पूरी साड़ी। तो उन्होंने ये पूरी साड़ी बांधी है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी ज्वेलरी, और जो जो उन्होंने पहना है वो सब पहनते हैं। तो चलो, मुझे मेकअप तो हल्का ही रखना है, काजल बिल्कुल नहीं लगाना है, इयररिंग्स मैंने हाइलाइट डाल लिए हैं, और बस इस लुक के लिए ना मुझे मेन जो है वो ब्लश है, तो ब्लश लगा लेती हूँ मैं अपना। पाउडर से सेट कर लिया है मैंने अपना मेकअप, जो कि लाइट है, बिल्कुल नॉर्मल मेकअप है। चाहिए तो मैं ये लगा रही हूँ, बिल्कुल लाइट तरीके से लगा रही हूँ, ताकि लाइट रहे। लाइट में लगा लिए मैंने लिपस्टिक। तो उसके बाद बारी आती है कड़े पहनने की, जो जो एक 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 पहनने। मैं तैयार हो गई हूँ, और चेन छुपा लेते हैं यार,
तो अब आपको पूरा लुक दिखा दे और आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बता दे। फाइनली आपने मेरा लुक देख लिया होगा कैसा लग रहा है, और अगर कोई कमी है तो आप प्लीज मुझे बता सकते हो। बाकी अब थोड़ा सा चेंज वेंज कर लिया, सब कुछ हटा दिया है, मेरे से ना पहना भी नहीं जाती है सब चीजें इतनी, तो फट से हटा दिए हैं। और अब थोड़ी देर करते हैं रेस्ट, और अगर आप मुझे कोई और नया लुक बताना चाहते हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट कर दो। बाकी एक दो कमेंट आ गए हैं, वो चीज़ें मैंने देख ली, उन पर मैं सर्च कर लूँगी। बाकी आप और कमेंट करते रहो और बताते रहो मुझे लुक्स। भाई मेरा किंडर जॉय भी आ गया, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम परचेज करा है, बच्चे खाते हैं और बच्चों से आसंग मांगनी है, मन नहीं हुई थी मेरी, तो दैट्स वाई मैं अपने देखो लेकर आ गई। ये गर्ल एडिशन है, मतलब पिंक और ब्लू होता है, तो मतलब बॉय एडिशन, तो इस पर लिखा भी है पिंक एडिशन, और उस पर नहीं पता ब्लू एडिशन लिखा होता होगा मे भी, तो इसको यहाँ से ऐसे करके खोलते हैं। क्या कमाल होने वाला है इसमें, ओहो ये तो एक्स है, ओहो मैंने एक्स को हाफ ऑफ कट कर लिया है, ओह लो भाई गिर गया, नहीं बच गया। ये इसके अंदर एक शायद स्पून है खाने वाला, और ये इसमें पन्नी लगी है, मेरे ख्याल से इसके अंदर खाने का है, और इसके अंदर एक कोई टोए और स्पून है, तो खा के बताते हैं मैं आपको कैसा है। पहले मैं अपनी मूवी चला लेती हूँ। सो भाई सबसे पहले तो ना मूवी देखने के लिए मुझे चश्मा लगाना पड़ जाता है, बिकॉज मेरे को दिखता नहीं है, मैं आती हूँ आँखों से, तो मैंने चश्मा लगा लिया और मैंने मूवी लगाई है अनजाना अनजानी। मैंने बहुत यानी मूवी 2010 में रिलीज हुई थी, और मैंने बहुत टाइम पहले देखी थी, बहुत प्यारी मूवी लगी थी उस टाइम मुझे, लाइक बहुत सारी चीज़ें उसमें। अब मैं दोबारा देखूँगी ना, तो मैं बीच बीच में आपको हो सकता है बेलू मूवी के, और मैं कुछ कुछ डिटेल्स इसकी बताऊँ जो मुझे सीन पसंद है वो दिखाऊँ, तो वेट करो देखो अभी मूवी। भाई मैंने ना मतलब मूवी देख ली है, और अब मूवी के बाद ना मैंने थोड़ा सा अपना काम भी कर लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा रूम ना मुझे मैसी मैसी लगने लग गया था यार, बहुत ज़्यादा, तो मैंने ना थोड़ा सा चेंजेस कर दिए हैं रूम में, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा। तो कुछ इस तरीके से मैंने चेंजेस करे हैं, देखो मैंने ये कल बताऊँगी आपको मैं चेंजेस का, तो अभी इसके साथ करती हूँ अपना ब्लॉग एंड बाय।